हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सोनू तोमर। आज हम बनाने जा रहे हैं माता रानी की ड्रेस नवरात्रि के उपलक्ष में। और ये देखिए, हमने पीला कपड़ा लिया है, ये बहुत ही सुंदर है। इस पर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा छपा हुआ है, कढ़ा हुआ है मतलब। और ये इसकी घेर की लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं हम 60 इंच। ये देखिए देखिए 7 इंच हमने ली है। और इसे अगर हम फोल्ड अंदर को फोल्ड करेंगे तो ये बैठेगी 6 इंच की। ये देखिए ये 6 इंच। अब इसकी घेर की लंबाई है 20 इंच, पूरी 20 इंच है ये लंबाई। और अब ये है चोली की चौड़ाई, भी हम आपको बता देते हैं 3 इंच चौड़ाई है। और देखिए और लंबाई है इसकी 11 इंच। अब इसको जो पट्टी को हम मोड़ के सिलेंगे, ये देखिए फोल्ड कर देंगे इसे। और फोल्ड करने ऐसे फोल्ड करके आपको दिखा रहे हैं। पहले हम घेर सिलते हैं, ये घेर के साइडों की जो है इसे हम फोल्ड कर देंगे और इस पर स्टिचिंग करेंगे। देखिए हम इस पर स्टिचिंग कर रहे हैं, साइडों में 3 तरफ है घेर के। ये देखिए पहला हो गया इस पर। अब इसे दूसरी तरफ की जो है इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने पहले भी बताई थी, इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर स्टिचिंग करेंगे, पूरी लंबाई में स्टिचिंग कर देंगे इसे। फोल्ड को फोल्ड करते हुए लेके आएंगे और इस पर स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए हमारा पूरा होने वाला है। ये देखिए देखिए कपड़ा भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये हो गई हमारी लंबाई की तरफ से। अब हम इसे लास्ट की तरफ से मारेंगे। इस पर फोल्ड कर दिया है हमने और इस पर भी हमने स्टिचिंग कर दी है। अभी हम इस पर लेस लगा रहे हैं। बटन लेस देखिए कितना सुंदर है, चौड़ा है। घेर की तरफ नीचे की साइड में लेस आ रहे हैं। देखिए ये हमारी जो है एक लेस पूरी हो जाएगी। देखिए अभी हमारी ये लेस कंप्लीट हो गई। अब हम लगाएंगे दूसरी लेस लगाएंगे। अब पतली सी देखिए, देखिए कितने सुंदर लग रहा है ये। अब हमने इस पर पतली लेस लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए पतली लेस लगा के इस पर भी स्टिचिंग करेंगे। देखिए स्टिचिंग करेंगे, ये इस पर भी लग गई है हमारी पूरी। ऐसे हमने पलट लिया है, पलट के इसी लेस के जो है दूसरी तरफ भी स्टिचिंग करेंगे। देखिए एक दो लेसें हमारी लग चुकी हैं। ये देखिए अब इसके बाद जो है हम ये देखिए ये पूरी हमारी इस पर लेस लग चुकी है गोल्डन कलर की। दोनों ही हमने गोल्डन लगाई है। ये देखिए अब जो है हम इसे चुन्नटे भरेंगे, यानी प्लेटें भरेंगे। एक एक करके प्लेटें भरते जाएंगे। देखिए दो दो तीन तीन प्लेटें भरी हैं और स्टिचिंग करते चले जाएंगे। ये देखिए दो दो तीन तीन प्लेटें भरना है। देखिए हल्की हल्की जो है स्टिचिंग करते चले जाएंगे। एक हाथ से रखेंगे और प्लेटें भरेंगे दोनों हाथ से बराबर बराबर। देखिए स्टिचिंग हो रही है। ये हमारा घेर जो है इसकी प्लेटें हम ऑलमोस्ट भर ही चुकी है। देखिए अब ये हमारी जो है प्लेटें इसमें हमने भर दी हैं। और ये अब हम पलट के जो है एक बार स्टिचिंग और करेंगे। देखिए हमारी ये वाली स्टिचिंग इस पर हो गई, ये वाली। और इसके बाद जो है हम नीचे की प्लेटों को सेट करेंगे, एक एक करके सेट करते चले जाएंगे और इस पर भी स्टिचिंग करेंगे। देखिए एक एक करते प्लेट ये
सेट करेंगे बिल्कुल ही हल्की हल्की जो है इस पर सिलाई मारेंगे। देखिए हमने ये हमारी जो है ये नीचे का घेर जो है प्लेट बराबर बिल्कुल बराबर से करते चले जाएंगे। देखिए बराबर करेंगे। ये हमारी ये प्लेटें जो हैं भरने वाली भरी चुकी हैं और ये इस पर भी हमने स्टिचिंग कर दी है। देखिए हो गई है हमारी घेर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे थोड़ा सा खींचेंगे और प्लेटों को जो है सेट करेंगे। एक बार स्टिचिंग और करेंगे कि ये हमारी प्लेटें निकले नहीं। ये हमारी हो गई है और ये जो है अब हम इस पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये घेर। अब इसकी जो है हम कमर नाप रहे हैं। कमर हमारी 3 बैठी है इसमें देवी मूर्ति के अनुसार ही। अब ये जो है हम कमर की पट्टी काटेंगे। पट्टी काटने के बाद ये देखिए हमने ये भी 3 इंच चौड़ा ही लिया है और इसे साइड से फोल्ड करके ये हम इसे सेट करेंगे घेर पर और इस पर भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए स्टिचिंग कर रहे हैं इस पर कमर पर। देखिए हाँ ये स्टिचिंग इस पर हुई है। अभी से हम इसमें डोरी डालेंगे। ध्यानपूर्वक इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद डोरी का ध्यान रखते हुए इसके नेफे पे जो है स्टिचिंग करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे। देखिए दोनों तरफ से हमने जो है स्टिचिंग कर दी है। ये देखिए ये हमारी है चूली। देखिए ऐसे दोनों को जो है हमने फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर देखिए फोल्ड देखिए ये हमने फोल्ड कर दिए और इस पर स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल सीधी सीधी स्टिचिंग करेंगे इस पर भी। देखिए हमारी इसकी स्टिचिंग बराबर सही से फोल्ड होती चली जाएगी और इस पर स्टिचिंग हमने कर दिया। अब इस पर हम जो है पतली वाली लेस लगाएंगे। ये देखिए हम पतली लेस लगा रहे हैं इस पर। पहले हम इसके ऊपर स्टिचिंग मारेंगे। ये देखिए पतली सी लेस लगा दी। देखिए अब इस पर हम स्टिचिंग कर रहे हैं पतली सी लेस लगा कर। ये हमारी चोली की जो है पट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अभी इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसे कैंची से बीच में से काटेंगे। अब काटने के बाद दोनों सिरों को मिलाकर इंच टेप से नापेंगे। देखिए 1 इंच किस पर थोड़ा सा आड़ा करके जो है गले पे स्टिचिंग करेंगे और इसे खोल कर जो है टॉप स्टिच करेंगे। ऊपर से स्टिचिंग मारेंगे। ये हमारी जो है चोली बन के तैयार हो गई। इसे जो है हम घेर से अटैच कर देंगे। देखिए हमारी नेफे को बचाते हुए डोरी को बचाते हुए इसे अटैच कर देंगे। ये हमारी माता रानी की ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। देखिए माता रानी की ड्रेस। अब ये जो है हम इसकी लटकन बना रहे हैं डोरी की। इसे हमने जो काट लिए हैं 2-2 इंच के तिकोना करके इस पे अपनी डोरी रख देंगे और स्टिचिंग करेंगे। देखिए हमारी जो लटकन तैयार हो गई। अब दूसरी भी लटकन सेम वैसी ही बनेगी जो कि हमने जो पहले बनाई थी वैसी ही बनेगी। ये देखिए ये भी तैयार हो गई।
अभी से हमने पलट दी है, पलट के ये कितनी सुंदर लग रही है, छोटी छोटी सी। देखेंगे हमारी जो है माता रानी की ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, देखना ना भूलें। बिना देखे वीडियो स्किप ना करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। देखिए अब हम ये देखिए, प्लीज़ लाइक करें। अब हम जो है इसका दुपट्टा बनाएंगे। दुपट्टे की लंबाई हमने जो ली है 16 इंच ली है। देखिए 16 इंच लंबाई है इसकी, और इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच ली है। अब इसे भी हम सेम वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे कि घेर में करा था। अब इस पर भी हम चारों तरफ जो है स्टिचिंग करेंगे पहले, ताकि धागे ना खींचे। देखिए हमारा एक तरफ का जो हो गया सेम वैसी ही स्टिचिंग करेंगे इसके चारों तरफ। ये अब हमने ये हमारे इस तरफ स्टिचिंग हो गई है। देखिए इस तरह हमारी हो गई है। अब ये हम दूसरी तरफ भी करेंगे। ये देखिए हमारे जो है ये स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस पर भी गोल्डन लेस लगाएंगे, देखिए जो कि हमने लहंगे में लगाया था। अब ये हम गोल्डन लेस जो है ये हम चारों तरफ लगाएंगे दुपट्टे के, ताकि हमारा दुपट्टा देखने में सुंदर लगे माता रानी के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करना ना भूलें। और बिना देखे वीडियो को स्किप ना करें। ये देखिए हमारे चारों तरफ जो है इसके दुपट्टे की लेस लग गई है। फुल कंप्लीट हो गया हमारा दुपट्टा। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, देखिए कितना सुंदर है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा दुपट्टा इनकी रेडी है। और ये हम जो है माता रानी की ड्रेस में ऊपर से पतली सी लेस लगा रहे हैं घेर के ऊपर। ये हमारी दुपट्टा रेडी हो गया है माता रानी का। और ये ड्रेस भी देखिए फुल रेडी हो गई है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। वीडियो को बिना देखे स्किप ना करें। ये देखिए येलो कलर की ड्रेस माता रानी की कितनी सुंदर लग रही है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स